जयपुर से खबर है जहां विश्वकर्मा हादसे के बाद जागा है जिला प्रशासन। जल भराव क्षेत्र में बेसमेंट में रह रहे लोगों को शिफ्ट किया जाएगा। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आकड़ा डूंगर में व्यवस्था की गई है और अभी अस्थायी तौर पर उन परिवारों की शिफ्टिंग की जाएगी। हादसे में पीड़ित परिवार को भी शिफ्ट किया जाएगा। जिला प्रशासन की ओर से की गई सभी व्यवस्थाएं 100 से अधिक लोगों के खाने के नगर निगम की ओर से इंतजाम भी किए जाएंगे। जिला प्रशासन की ओर से नगर निगम को लिखा जाएगा सर्वे के लिए पत्र। बेसमेंट में रह रहे लोगों को वहां पर शिफ्ट किया जाएगा। यानी कि जिस तरह का हादसा देखने को मिला, 3 मासूमों की जान चली गई है, उसके बाद में जिला प्रशासन अब एक्टिव मोड में नजर आ रहा है। मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश कसारा भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, और क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पर? देखिए, बेसमेंट में पानी भरने से 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिनका पोस्टमार्टम काउंटी अस्पताल में हुआ और उसके बाद फिलहाल उनके अंतिम संस्कार के लिए वहां से रवाना कर दिया है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा अपडेट है कि इस हादसे के बाद जो जिला प्रशासन है वो जागा है और जलभराव क्षेत्र में बेसमेंट में जो लोग रह रहे थे, चूंकि ये जो इलाका है वो पूरी तरह से अवैध बसी हुई कॉलोनी है और एक तरह से जलभराव क्षेत्र है, तो ऐसे में जलभराव क्षेत्र में जो लोग बेसमेंट में रह रहे हैं उनको शिफ्ट करने की प्रक्रिया है वो जिला प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई है। फिलहाल अस्थायी तौर पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आकेड़ा डूंगर में इनके लिए व्यवस्था की गई है। वहां पर ये पीड़ित परिवार है और पीड़ित परिवार में कुल 25 लोग बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्थायी तौर पर फिलहाल आकेड़ा डूंगर स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है। वहां पर ही इनके रहने खाने की तमाम व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की जाएंगी। नगर निगम को इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से निर्देश दिए हैं कि करीब 250 लोगों के रहने और खाने की व्यवस्था वहां पर की जा रही है और वहां पूरे इलाके में जहां भी जलभराव की समस्या है उनको चिन्हित किया जा रहा है और वो जिनमें ऐसी संभावना है पानी भरने या बेसमेंट में रह रहे हैं उनको सील कर उन लोगों को वहां पर अस्थायी तौर पर शिफ्ट किया जाएगा। इसकी पूरी तैयारी जिला प्रशासन की ओर से कर ली गई है। नगर निगम को इसके लिए कहा गया है कि उनको चिन्हित किया जाए और ऐसे बेसमेंट जिनमें इस तरह पानी भरने की संभावना है उनको सील कर दिया जाए ताकि उन लोगों को अस्थायी तौर पर फिलहाल शिफ्ट किया जाए। उसके लिए जगह चिन्हित जिला प्रशासन की ओर से कर ली गई है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि घटना के बाद जिला प्रशासन ने वो जागा है और जहां जलभराव क्षेत्र है उनको चिन्हित कर लोगों को अस्थायी तौर पर शिफ्टिंग का जो कार्य है वो शुरू कर दिया है। बिल्कुल दिनेश, और ये शिफ्टिंग किस प्रकार होती है, क्या सफलतापूर्वक हो पाती है, क्या इंतजाम पूरे हो पाते हैं, तमाम सवालों के जवाब आपसे आगे भी लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत